activate, press space bar, list box, show manual controls, 1-1. Assalamu alaikum. Aaj aapke kitab pe MFT Manshai ki teesri episode aur aakhri episode leke aayi hu. Umeed hai ki aap logo ko pasand aayegi. Apne feedback se zarur aga kijiyega aur meri video ko like kijiyega, share kijiyega aur subscribe zarur kijiyega. Iske saath saath notification bell ko bhi टर्न ऑन ज़रूर कीजिएगा. मैं शुरू करती हूँ लास्ट पार्ट. उन्होंने कॉलम लिखना छोड़ दिए, बस हर रात खिड़की के सामने आके बैठ जाते. कमरे की बत्ती गुल करके दोनों पट खोलकर चमकती दीवार पर हरकत करते सारे देखते रहते, उनकी बातें सुनते रहते, फिर पूरा दिन सोचते ही रहते कि कभी उनके घर जाएं या कम से कम अपनी छत पर चढ़कर उन बच्चों को आवाज़ ही दे लें. और नहीं, जब रात को वो बातें कर रहे हों तो बाहर सहन में आकर एक नज़र उनकी बालकोनी को देख ही लें. जहाँ वो चीनी की मूरत जैसे सरापे वाली लड़की बसती है, वो अपनी नानी के मजालिम और माँ की बेइतनाई पर शिकवा करना रहती है, मगर वो कभी ये हिम्मत ना कर सके. ज़्यादा से ज़्यादा एक रोज़ दोपहर में डरते डरते सहन में निकल कर गर्दन उठाई तो दाएं घर की बालकोनी सुनसान पड़ी थी. अंदर खुलने वाले दरवाजे सख्ती से बंद थे. बस एक कोने पर सीधी मेज रखी थी, शायद वो उसी पर बैठी होती थी. बल्कि अब तो उन्होंने अपनी घर की छत पर जाना छोड़ दिया था. अखबार के दफ्तर भी बस खानापुरी के लिए जाते थे. कॉलम से नागा ले लिया था. बस रोज़ उनको रात का इंतज़ार रहने लगा था. कब 10 बजे और दोनों बालकोनी में आकर बातें करें. वो रोज़ उनकी गुफ्तगू सुनते थे. वो जिस कमरे में बंद थे उसके आगे किसी एटिक का जिक्र करते थे. शायद वो स्टोर रूम था जहाँ बहुत चूहे थे. उनकी हर बात एटिक होता था या फिर माँ से नफ़रत, नानी के मसालम या अपने जुड़वा बहन भाई की घिरती हालत. एक रोज़ उन्हें उनकी गुफ्तगू से इल्म हुआ कि उनका छोटा भाई नमूनिया का शिकार हो गया है और अगली रात वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को यकीन दिला रहे थे कि उनका भाई मर चुका है. हाँ, उनका भाई मर गया. उस लड़की का हर आंसू उनके दिल पर घिरता रहा. वो कब कैसे उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए और उन्हें इल्म ना हो सका. बस वो हर रात खिड़की के सामने बैठ जाते, कॉफ़ी के कप पर कप पीते जाते, दूर कहीं गूंजने वाली मध्यम सरगोशियाँ सुनते रहते. कागज़ों के पलंदे पीले पड़ने लगे थे. बंद कलम पर धूल जमने लगी थी. वो थे कि उनकी तन्हाई थी और दीवार पर हरकत करते साए थे. ज़िंदगी बस यहीं तक महदूद हो गई थी. उनका जी चाहता था कि जाएं और उन बच्चों को आज़ाद करवा लें, उनको अपने घर ले आएं, उनको तहफ़ुज़ और प्यार दें. और वो लड़की उसे
वो अपना लें। क्या हुआ जो उनका दीन एक नहीं, अगर वो मसीह थी तो वो उससे शादी कर सकते थे, मगर वो अप्सरा उनसे शादी करने पर क्यों राजी होगी भला? लेकिन क्या पता हो भी जाए, खुशगुमानी में हर्ष भी क्या था। फिर एक रोज़ उन्हें इल्म हुआ कि वो दोनों अपनी छोटी बहन को लेकर भागने का मंसूबा बना रहे हैं, दूर किसी और शहर जाने का, जहाँ उनकी माँ और नानी उनकी तलाश ना कर पाएं। अगर वो चले गए तो उनकी तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी अधूरी रह जाएगी। वो कभी खुद को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, नहीं उन्होंने उनको जाने नहीं देंगे। वो उनसे बात करेंगे, उनको अपने पास बुला लेंगे, उनका हर तरीके से ख्याल रखेंगे। उस रात वो बहुत बेचैन से खुली खिड़की के सामने बैठे थे। उधर बालकोनी में कैथी और क्रिस बातें कर रहे थे। मामा यहाँ से चली गई हैं, हम उनका जेवर नहीं चुरा सकते, मगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो ही गए हैं ना क्रिस? हम यहाँ से निकल सकते हैं, कल सुबह 6 बजे की ट्रेन हम पकड़ लेंगे। कैथी को राज़ी करना मुश्किल होगा, वो अपनी बहन की बात कर रहे थे जिसका जुड़वा चंद रोज़ कबल जान से हाथ धो बैठा था। हम राज़ी कर लेंगे, तुम सामान पैक करो कैथी। अब उनसे मज़ीद सब्र करना मुश्किल था। अपनी सारी बुस्तली, कम हिम्मती और झिझक को पसेपुछ डाल कर वो उठे और सीढ़ियों की तरफ लपके। उन्हें उस लड़की को रोकना था, उन्हें उसे तहफ़ देना था, उसे ज़माने की उन कठिनाइयों से बचाना था, उसे अपने पास ले आना था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ फलांग रहे थे, उनकी सांस थुनकनी की माने चल रही थी। उस उम्र में भागना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, मगर वो तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। वो उसको रोक लेंगे, उसे अपना लेंगे, उसे ज़िंदगी से सारी खुशियों को शीत कर देंगे, उसके सारे गमों को मिटा देंगे, वो उसे खुश रखेंगे, वो उसके लिए उसकी बहन भाई को भी अपने पास रखेंगे, उनकी जालिम माँ और नानी को इल्म नहीं होने देंगे, किसी सूरत भी नहीं। छत का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आए थे, उनकी बालकोनी और हमसायों की बालकोनी मिली हुई थी। वो तेज़ी से उसकी तरफ लपके थे, वो कैथी को यहाँ से ले जाएंगे। वो कराची या अपने आबाई शहर एबटाबाद ले जाएंगे, जहाँ उन बच्चों की माँ और नानी उनको नहीं ढूंढ सकेंगी। वो उनकी दस्तरस से बहुत दूर चले जाएंगे, अपनी बालकोनी के आखिरी सिरे पर आके वो रुके। दोनों तरफ की बालकोनी नीम रोशन थी, उनके चंद कदम के फासले पर उस लड़की की बालकोनी के बिल्कुल कोने पर वो मेज़ रखी थी। उस मेज़ के साथ वो उनकी जानब पुश्त किए खड़ी थी। वो कैथी नहीं थी, बल्कि 10-12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। उसके खुले बाल
कमर पर घिर रहे थे। वो बहुत महवियत से अपने उंगलियों से बंधे धागों को ऊपर नीचे हिला रही थी। धागों के दूसरे सिरे पर मेज पर रखी दो कठपुतलियों के हाथ बंधे थे। पहली कठपुतली एक हाथ जितनी गुड़िया थी, जिसकी ऊंची पोनी थी और माथे पर घिरे कटे हुए बाल थे। दूसरी कठपुतली बालिश भर का घुंघरियाले बालों वाला गुड्डा था। वो तख्ते पर उन दोनों को आमने सामने बिठा कर लैम के आगे रखे हुए थी। उसके करीब ही एक किताब पड़ी थी, जिसके सरे वर्क हवा से फड़फड़ा रहे थे। फ्लावर्स इन द एटिक। वो बिल्कुल दम बखुद हुए उसे देख रहे थे। कल सुबह 6 बजे की ट्रेन से हम जाएंगे। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, क्रिस। वो पर बारी बारी एक पुतली और मोटी आवाज़ निकाल कर गुफ्तगू को आगे बढ़ा रही थी। करीब करीब ही पड़े एक कठपुतली ड्रामे के दावत नामों की शह सुर्खी को उतनी दूर से भी पढ़ सकते थे। वो ड्रामा जिसके रिहर्सल वो काफ़ी दिनों से कर रही थी। उन्होंने आहिस्ता से गर्दन मोड़ कर नीचे अपनी दीवार को देखा, जहाँ वो खूबसूरत साए घिर रहे थे। अलबत्ता कठपुतलियों का धागा बहुत बारीक था, उसका साया नहीं बनता था। यहाँ अहमक तमाशाई ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मज़ीद नॉवलेट्स के लिए मुझे बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। फी अमान अल्लाह। Apps lock on. App video pause unavailable. It's app. Stop taking videos.